नमस्कार जहीन साथियों, दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक बार फिर से अग्निपथ योजना के साथ साथ पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर सुनवाई हुई। सभी देश के उन युवाओं की नज़रें थी जो एयरफोर्स एनरोलमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, आर्मी एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे और साथ साथ इंडियन नेवी की जो भर्ती देखने वाले कैंडिडेट्स हैं उनका भी आज इस कोर्ट की कार्रवाई के ऊपर नज़रें थी। पूरी अपडेट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, लेकिन वही बात जो युवा अक्सर लिखते हैं, तारीख पे तारीख। एक बार फिर से एक तारीख सामने रखी गई है और जो जो चीज़ें आज कोर्ट के अंदर हुई, क्या क्या बातें के ऊपर विशेष तौर से वो बातें हुई, वो तमाम जानकारी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर डेट की बात की जाए तो 19 अक्टूबर डेट कोर्ट ने सामने रखी है। अब इससे पहले क्या क्या प्रक्रियाएं होगी, क्या क्या किस किस दिशा में जा सकता है, ये तमाम जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, आज की इस जो जितने भी कंडीशंस है अगर इसको हम नोट करें तो कोर्ट के अंदर जो भी सुप्रीम कोर्ट में मामले गए थे, जितनी भी याचिकाएं गई थी, उन तमाम याचिकाकर्ताओं के जो भी उनके वकालत के जो भी लोग हैं वो यहाँ आज कोर्ट में पहुँचे। वहाँ पहुँचने के पश्चात सबको सुना गया। आफ्टर देन सुनने के पश्चात कोर्ट ने हर एक पक्ष को सुनने के बाद जो ASG है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनको जवाब के बारे में पूछा गया कि भाई इसके ऊपर आपका जवाब क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि कोर्ट ने ये कहा है कि पहले दिन सबको अलग अलग तरीके से आप रखिए कि भाई अग्निपथ का मैटर क्या है, एयरफोर्स का क्या मैटर है, एनरोलमेंट का क्या है, रिजल्ट का क्या है और आर्मी एग्ज़ाम का क्या है, क्योंकि ये मैटर पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट से हैं। कई जगह रिक्रूटमेंट पूरी हो गई है जैसे एयरफोर्स एनरोलमेंट, कई जगह अधूरी है जैसे आर्मी एग्ज़ाम और एयरफोर्स रिजल्ट। तो कोर्ट ने कहा कि सब इनको सबको अलग अलग करके और फिर इनका सरकार से, एयरफोर्स से, आर्मी से, नेवी से रिप्लाई मांगा जाएगा। और कोर्ट ने एक्चुअल में अगर बात की जाए तो ASG ने 7 दिन का समय मांगा था, 1 हफ्ते का, लेकिन कोर्ट ने कहा कि काफ़ी कंडीशंस के आधार पर देखा जाए तो इनको 4 हफ्ता का टाइम दिया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि अक्टूबर माह में छुट्टियाँ हैं और उसके चलते ये थोड़ा सा और ज़्यादा हमारा डिले हो रहा मैटर, लेकिन 19 अक्टूबर है वो तारीख दी गई है। यहाँ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि समय सीमा के बीच कोर्ट में जितने भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट है उनकी ओर से जैसे ही जवाब आएगा, आफ्टर देन कोर्ट ये हमारे जितने भी लॉयर्स हैं उनको ये फॉरवर्ड करेगा, उनके भी जवाब कोर्ट में जाएंगे और उसके पश्चात 19 अक्टूबर को इसके ऊपर बहस होगी, आर्ग्यूमेंट्स रखे जाएंगे और ये तमाम ताज़ा अपडेट है वो आज की कोर्ट की है। हालांकि युवा इसको किस कदर लेते हैं ये अलग बात है, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा बहुत पॉजिटिव ये बताना चाहूँगा कि अब इससे अग्निपथ याचिका का जिसको हमें ज़्यादा डर था कि उसका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो वो अब अलग हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया का हमारा मसला है, ना कि अग्निपथ योजना का। तो अब जो आज की मुख्य जो बात है वो यही है कि इससे अग्निपथ योजना का जो मैटर है उसको अलग तरीके से रखा जाएगा, उसके ऊपर सरकार का स्टेटमेंट अलग तरीके से जाना जाएगा, ठीक वैसे ही एयरफोर्स एनरोलमेंट, आर्मी एग्जाम, रिजल्ट के मुद्दे को भी अलग अलग करके और अलग अलग तरीके से सुना जाएगा। साथ साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि छुट्टियां होने के चलते ये और डिले जाएगा और कई सारे साथी ये पूछते हैं कि ये और डेट दे दी गई, तो आपको बता दें कि कोर्ट की कार्रवाई है, इनके जो प्रारूप होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, उसके आधार पर ही ये सारी कार्रवाई होती है और उसी आधार पर हमें ये डेट दी गई है। अब जैसे ही आगे की डेट आएगी उससे पहले क्या प्रक्रियाएं रहती है, क्या जवाब आता है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और उससे पहले पहले ही सरकार की ओर से, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की ओर से जो भी जवाब आएगा वो भी आपको बता देंगे। यहाँ आपको बताना चाहिए इंडियन नेवी के जो कैंडिडेट तैयारी करते हैं कि अगर आपका भर्ती का एडमिट कार्ड अगर आ जाए तो आपके लिए ये बशर्त ये बात है कि आपको भी उसमें शामिल किया जाएगा, उससे पहले कोर्ट आपको सुन सकता है। मतलब साधारण भाषा में कहे कि सपोज़ दैट आपके नेवी के एडमिट कार्ड आ गए और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा भी परसेंटेज बेस क्राइटेरिया वो 50-60% हो, अभी तक तो नेवी ने भर्ती नहीं करवाई लेकिन एडमिट कार्ड आता है तो कोर्ट आपको सुनेगा और प्रत्येक कैंडिडेट को एग्ज़ाम में बैठने के मौके की बात है वो हमारे लॉयर्स की ओर से कहा गया है कि हम उसमें भी कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएंगे। तो ये ताज़ा अपडेट थी, आप इसको लेकर क्या अपनी राय रखते हैं वो हमें ज़रूर भेजिएगा, लेकिन आपसे फिर वही गुजारिश कि अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। हमें भी आज काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया है किस एंगल से होती है, किस तरीके से होती है, ये आपके सामने है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान दनेश को दिल्ली हाई कोर्ट से, जो भी ताज़ा अपडेट रहेगी हम आपके साथ बेहद जल्द और सटीक विश्लेषण के बाद साझा करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।